Everybody, let's move forward and now let us discuss question numbers 11, 12, and 13 in this video. Okay, so let's continue. We have discussed till 10. Now, before you start with question number 11 and 12, आपको मैं recommend करूंगा कि आप question number 8 का एक बार solution जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो concept use करूंगा वो मैंने question number 8 में समझाया हुआ है. ठीक है, question number 8 के solution में मैंने explain किया हुआ है कि वो equation कैसे derive होती है. तो यहाँ पर भी बस directly मैं उसका use ही करूंगा. अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड, इफ यू हैव रेड द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, तो आपको पता होगा कि सॉल्यूट्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लोग कोई वैंटहॉस फैक्टर आई की बात नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो आई जो है वैंटहॉस फैक्टर उसकी वैल्यू 1 होती है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं मालूम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई इज वैंटहॉस फैक्टर इज 1. ऑलराइट. और यूरिया, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ बच्चों को याद कर लेने के लिए, यूरिया, ग्लूकोस और सुक्रोज, स्पेशली जेई मेंस तक तो इसका बहुत फायदा होता है, नीट में भी बहुत फायदा होता है. यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, ये तीन के तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हैं, विच मीन दे डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट. एंड आई ऑल्सो हाईली रिकमेंड कि आप इनके मोलर मासेस भी याद रखो अगर आप प्रॉब्लम्स को बहुत फास्ट करना चाहते हो. तो मुझे तो याद रहता है यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ग्लूकोज का मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, एंड सुक्रोज का मोलर मास इज 342 ग्राम पर मोल. ये तीनों मोलर मास याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया पढ़ते ही मेरे दिमाग में चलने लग गया 0.1 मोल, क्योंकि मोलर मास तो 60 है. वॉज डिजोल्व इन 9.9 मोल्स ऑफ वॉटर. If the vapor pressure of pure water is P naught, what is the vapor pressure of the solution? तो बच्चों अगर आपको याद आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में मैंने ये चीज डिस्कस करी हुई है दैट PS, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x सॉल्वेंट इनटू P naught. एक लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका. अदरवाइज नॉर्मल जनता क्या करेगी कि वो लोग पहले RL VP निकालेंगे, फिर बहुत सारे काम करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप ये वाला फॉर्म यूज करिए, PS इज इक्वल्स टू x सॉल्वेंट इनटू P naught. एंड पी नॉट की वैल्यू पी नॉट ही दी हुई है, एंड एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू बेटा 9.9, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स. तो 9.9 पर 0.1 ये हो गया 10, तो आपका आंसर दौड़ते हुए आ गया 0.99 पी नॉट, दैट इज आंसर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आइए आगे बढ़ेंगे फटाफट, बहुत स्पीड से अब काम चलेगा क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन की ओर. क्वेश्चन नंबर 12 में एन आइडियल सोल्यूशन वॉज फाउंड टू हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 80 टॉर्क when the mole fraction of non-ideal solution was found to have vapor pressure of 80 torr when the mole fraction of non-volatile solute, solid solute was 0.2. What would be the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature? So once again very very simple. अच्छा ये देखो, आप ये देख रहे हो कितने एन अवस्थी की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि each of the questions have been so carefully worded. मतलब एक एक छोटी बारीकी का इतना ध्यान दिया गया इस बुक में, and that is what I like about this book very much. क्योंकि देखो वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, सब सुनने में बहुत छोटी बातें लगती है शुरू शुरू में जब आप पहली बार चैप्टर को, बट व्हेन यू कम एट लाइक माय एक्सपीरियंस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 10 इयर्स, तो ये सब छोटी छोटी चीजों देख के मन बहुत खुश होता है कि अच्छा बहुत ध्यान रखा गया क्वेश्चन बनाते समय. तो सेम टेम्परेचर मतलब, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन है ना, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ओके, तो इसलिए मतलब जो भी कंपेरिजन करते हैं पी एस पी नॉट निकालते हैं, सब सेम टेम्परेचर पर रहता है. Okay. Anyways, coming back to the question. So PS is equals to. फिर से वही काम करना है. X solvent into P naught. Simply वो equation आप लगा दीजिए. PS की value 80 है शायद. Solute का mole fraction 0.2 है. तो solvent का 0.8 हो गया into P naught. यहाँ से दौड़ते हुए P naught की value 800 upon 8 हो जाएगी, which will be equals to 100. और एक लाइन में देखिए आंसर आ गया आपका. आइए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 373 केल्विन इज फाउंड टू बी 750 mm ऑफ Hg. सुक्रोज के बारे में आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. बट ये ध्यान से देखिए कि ये वेपर प्रेशर जो है ये किस टेम्परेचर पर दिया हुआ है. ये 373 केल्विन एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट वाटर है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर.
व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सॉरी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वन मिनट, हाँ यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमें मोलालिटी निकालना है। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, बहुत कुछ काम के एक दो रिजल्ट आपके सामने मैं लेके आता हूँ। देखिए ये बात आपको पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट दैट इज आर एल वी पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन, ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से रेसिप्रोकल करके, मैं डेरिवेशन नहीं शो कर रहा हूं बट आप आराम से कर सकते हैं या कर ही देता हूं, चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन प्लस एन अपॉन एन। ओके, ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर। ओके, रेसिप्रोकल किया मैंने। नाउ अब इसको आप डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड में पहले लिख रहा हूँ आर एच एस आई एम राइटिंग फर्स्ट, तो मेरे पास आया वन प्लस एन बाय एन इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। ओके, अब इस वन को इधर ले आओ तो ये बन गया n by n is equals to p naught upon p naught minus ps minus 1, ऐसा कुछ बन गया। ओके, नाउ अब अगर आप फर्दर इसे सॉल्व करते हो तो ये आपके पास बन गया n upon n is equals to p naught minus p naught plus ps upon p naught minus ps। ओके बेटा, और ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास अब फिर से रेसिप्रोकल, अगर आप करो तो वापस से रेसिप्रोकल कर दो इसका, और राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एन बाय एन। सो काइंडली अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, कौन सी दो इक्वेशन की बात हो रही है, इस इक्वेशन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, डेल्टा पी, ये क्या है, डेल्टा पी है। ओके, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज एन अपॉन एन प्लस एन, but delta P upon PS that is vapor pressure of the solution is moles of solute upon moles of solvent. तो ये वाली जो second वाली equation है, ये एक much more friendlier, easier to use equation है। यहाँ simply moles of solute upon moles of solvent करना है, यहाँ पे नीचे denominator में moles of solute plus moles of solvent करना है, समझ रहे ना बात को। हाँ, लेकिन कोई पूछ ले कि relative lowering in vapor pressure क्या है, तो relative lowering in vapor pressure तो यही है डेल्टा पी बाई पी नोट, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग इन पेपर प्रेशर। ओके गाइज, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और यहाँ पर ये डेल्टा पी बाई पी एस है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, विच इज सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करो कि छोटा सा एक देखो, हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं इसको और मॉडिफाई करते हैं, एक और फॉर्म आता है इसका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट बेटा ऊपर चला गया, और फिर इसको मैंने कर दिया इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो अब ऐसा किया तो जरा गौर से पहचानो, ये वाली जो इतनी चीज है ना, ये वाली जो चीज दिखी हुई है अलग से, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विच इज नथिंग बट मोलालिटी। तो ये भी फॉर्म कभी कभी दिख जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस is equals to molality, molality, okay, into molar mass of solvent, molality into molar mass of solvent divided by 1000, okay? तो अब बस यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लेंगे, मैंने डिराइव कर दी पूरी इक्वेशन आपके लिए ताकि अगर नहीं पता हो तो हो जाए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बड़ी खास हो रही है, खास ये चीज हो रही है कि हमको पी एस तो दिया हुआ है, हमसे मोलालिटी पूछा गया है, लेकिन हमें पी नॉट नहीं दिया हुआ है, पी नॉट हमें, तो पी नॉट की वैल्यू बेटा देखो ये 373 केल्विन जो दिया हो ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। और आगे चल के इसी चैप्टर में जब आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 1 atm दैट इज 760 mm ऑफ Hg। तो प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, प्योर वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, है ना, प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता और 100 डिग्री सेंटीग्रेड चूंकि बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता या फिर 760 टॉर होता, और पी एस की वैल्यू शायद क्वेश्चन में दी हुई है 750
50 टॉर। ओके, तो ये सब रिलेशन बताऊंगे तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। 750 mm ऑफ एच जी टॉर इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट जस्ट टू बी कंसिस्टेंट मैं दोनों जगह पे सेम लिख देता हूँ। तो 750 mm ऑफ एच जी, ओके ये हमको दिया हुआ है। तो बस अब क्या करेंगे साहब, और सोल्यूशन है किसका भाई साहब? सोल्यूशन है सुक्रोज का। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट नहीं करता। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। ठीक है, तो बस यहाँ पे सारे रिलेशन पुट कर दीजिए। आप मोल फ्रैक्शन निकाल के भी मोलैलिटी निकाल सकते थे, वो भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का, बट मैंने तो इसलिए बता दिया कि ये वाला फॉर्म भी आप देख लो, है ना। ये मान लो कभी ऑप्शन में कहीं दिख गया तो पता होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो पी नॉट माइनस पी एस तो हो गया कितना 10, पी एस हो गया कितना 750, मोलैलिटी में निकालना चाहता हूँ, सॉल्वेंट है वॉटर, मोलर मास हो गया 18 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये तो कट गया सीधे सीधे 250 से 3 टाइम्स और ये हो गया 4 टाइम्स। ओके, तो अब यहां से देखो मोलैलिटी कितनी आई भाई, यहां से मोलैलिटी की वैल्यू आई 10 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 18, ऐसा आ रहा है। तो अभी देखो क्या हो गया, ये 2 से 5 टाइम्स कट गया और ये 9 टाइम्स कट गया, तो ये हो गया 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27, तो 200 और कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया मान लो 5 200 बाय 27 करना है ना, तो 200 बाय 27, तो 27 3 जा 27 इंटू 6 हो गया 6 7 जा 42 कैरी ओवर 4 6 142 हो रहा है खाली, तो 27 7 जार तक हो जाएगा आई गेस, है ना, क्योंकि 25 हाँ 27 7 जार तक होगा, तो 0.7 करके कुछ आंसर होना चाहिए। ओह नमस्ते जी, 0.73 और 0.74 चलो अब तो मैं कैलकुलेटर यूज कर ही लेता हूँ, है ना, बेइज्जती हो गई मेरी, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ मैं अब। ठीक है, काफी मैं एम्बेरेस फील कर रहा हूँ सबके सामने। 20 डिवाइडेड बाय 27 0.73, ठीक है, आपको नहीं करना है। देखिए मेरा क्या है बेटा, देखो मैं आई एम ऑलमोस्ट 36 इयर्स नाउ, तो क्या मेरा दिमाग अब थोड़ा स्लो हो रहा है। ओके, सो आई कैन अफोर्ड टू डू दिस, आई डोंट हैव टू गिव द जेईई एग्जाम। जेईई एग्जाम आपको देना है, तो इसलिए आप ऐसी आदतें नहीं पालो तो बेटर है। चलिए ठीक है, दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, इन दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।